हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अपने को जो साइड्स है ना वो रेशियो में दे दिए गए हैं, और अगर रेशियो में दिया हुआ है तो उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक्स मान करके सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, इसमें बोल क्या है पहले तो आपको मैं वो समझा देता हूँ। एक साइड दिया है हम लोग को ट्रायंगल के, जो कि रेशियो में है 12, 17 और 25। तीन साइड होते हैं, तीन रेशियो दे दिए गए हैं, और उसका पेरीमीटर बता दिया गया है 540 सेंटीमीटर। चलिए उसका एरिया बताइए जल्दी से। तो इसके लिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये वीडियोस देखे हैं, आपको अगर हीरोल्स फॉर्मूला तो अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ईजी लगेगा। बस यहाँ पर अपने को मेन जो शुरू में काम करना पड़ेगा वो साइड निकालने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि साइड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, उसकी रेशियो दी गई हुई है। तो ये कैसे निकालना है इसे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर में आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इसे अब कैसे सॉल्व करना है हम लोग कॉपी में सीख जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जो ट्रायंगल के साइड है ना उनको आप लोग एक्स मान लो। एक्स यानी कि जैसे हमारा 12, 17 और 25 रेशियो में दिया हुआ था, तो पहले वाले जो साइड है उसको 12x, दूसरे वाले को 17x और तीसरे वाले को 25x मान लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद अपने से क्या बोला जा रहा है कि जो पेरीमीटर है वो कितना है, पेरीमीटर भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इक्वल टू बोला गया है 540 सेंटीमीटर था, ये मीटर था, सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी साइड रहते हैं तीनों साइड उनको आपस में ऐड करके जीतू जो वैल्यू निकलता है ना, वही तो पेरीमीटर होता है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर की जगह पर 12x प्लस में 17x और प्लस में 25x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि अपने को एक्स की वैल्यू पता चल जाए। अगर एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से फिर यहाँ पर जो साइड से उनके वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वल क्यू सेट कर दो आप लोग 540 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, 5 और 2 जाएगा 7, और 7 14 का 4 कैरी हो गया हमारे पास 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये 1 5। 54x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 540 सेंटीमीटर। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, 54 को इधर उठा करके फेंक दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइड बाय में 54, क्योंकि चिपका हुआ था यानी कि मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ पर इनको अगर कैंसिल करेंगे तो 54 बन जाए 54, ऊपर ही 54 बन जाए 54, ये 0 उतर जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल गई वहाँ से वो 10 सेंटीमीटर निकल गई। अब अगर x की वैल्यू निकल गई है तो साइड्स भी निकल जाएगी। अब मैं साइड को यहाँ पर डायरेक्ट ए बी और सी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाला जो साइड है उसको मैं ए मान लेता हूँ, लेट करके आप लोग लिख सकते हो, लेट यहाँ भी लगा देना। तो ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे जो हीरोन्स का फॉर्मूला है उसमें तीनों साइड को ए बी और सी नाम दे देते हैं, तो पहले ही यहाँ पर नाम दे दो। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 12x था ना, तो 12x यानी कि 12 मल्टीप्लाई x है, और x से जहाँ पर हमने क्या निकाला अभी, 10 निकाल लिया, तो 12 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यानी कि 120 सेंटीमीटर। ये पहला वाला साइड निकल गया। दूसरे वाले साइड का नाम बी दे दो, तो वो हो जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 170 सेंटीमीटर। तीसरा वाले साइड का नाम सी दे दो, तो वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 250 सेंटीमीटर। ये अपने को तीनों साइड मिल गए यहाँ पर से। अब क्या करना है, तो अपन जानते हैं कि जब साइड मिल जाता है और पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो हीरोन्स के फॉर्मूला में अपने को एस की जरूरत पड़ती है। एस किसको बोलते हैं, एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पर अब हम लोग एस निकाल लेंगे। एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा पेरीमीटर का आधा करने के लिए क्या करेंगे, 540 जो पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो बस यहाँ से हमारा एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 1 जै 2, ऊपर में हमारा 2 को टेबल 27 टाइम पढ़ते हैं तो 54 आता है, और यहाँ पर लास्ट में हमारा 0 हो जाएगा। यानी इतना सेंटीमीटर जो है वो सेमी पेरीमीटर है उस ट्रायंगल का। क्लियर ये चीज़। अब अपने को और क्या क्या जरूरत पड़ता है वहाँ पर, जब हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की जरूरत पड़ता है, तो वो आप लोग पहले ही फाइंड कर लो, बाद में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं पहले निकाल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे भी साफ साफ और वहाँ पर खिचड़ी भी ना बने रूट के अंदर। तो मैं पहले ही एस माइनस ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एस माइनस ए यानी कि 270 जो एस की वैल्यू है, माइनस में ए की वैल्यू यानी कि 120। तो 270 से 120 माइनस हो तो कितना जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस बी की भी वैल्यू निकालो यहीं पर। तो एस माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 270 माइनस में 170। 270 से 170 किया तो कितना बचा, 100 बचा, तो 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। फिर एस माइनस सी का भी जरूरत पड़ता है फॉर्मूला के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 270 माइनस में 250। तो 70 से 50 माइनस हो तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग लगा देते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हीरोन्स जी ने क्या फॉर्मूला बताया था, रूट के अंदर डालिए एस को, उसका मल्टीप्लाई कीजिए एस माइनस ए से, फिर मल्टीप्लाई कीजिए एस माइनस बी से, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए एस माइनस सी से। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एस यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली, 270 निकाली, तो यहाँ पर लिख दो 270 मल्टीप्लाई। और ये देखो, कभी भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। एस माइनस ए यानी कि 150,
एस माइनस बी यानी कि 100 और एस माइनस सी यानी कि 20। अब इसको यहाँ पर हमारा सब क्या में था, सेंटीमीटर में था, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। अब बाहर निकालने के लिए आप लोग छोटा छोटा फैक्टर मत बनाओ, दिमाग लगाओ कि इसको कैसे इजिली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर अभी आप लोग 2 से इसका फैक्टर बनाओगे तो इतना लंबा थोड़ा मिल जाएगा कि आपको लिखते लिखते हाथ धीरे देने लगेगा। तो इससे अच्छा हम लोग दिमाग लगाते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे देखो मेरे दिमाग में आ गया है डायरेक्ट, यहाँ पर मैं 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा 27। तो 1 3 को मैं 30 बना देता हूँ, जैसे शुरू में मैं 30 बना देता हूँ, बाद में 3 और फिर एक बार 3 कर देता हूँ। इससे हुआ क्या मेरा कि 3 3 जा मेरा 9, 9 3 जा 27 और ये 0 उतर जाएगा तो 270 आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा देखो भी आपको आगे समझ में आएगा, ऐसे किया हूँ मैं ना, तो देखो इससे क्या फ़ायदा है। यहाँ पर भी जो मेरा 150 है ना, इसको भी आप क्या करो, देखो 1 30 तो हमारे पास पहले से आ गया है तो इसको भी 1 30 बना दो। कैसे बनेगा, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 30 × 5 कर सकते हो, 5 3 = 15 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये 30 और 30 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद अब हमारा 100 है तो 100 को आप सीधा सीधा बेचारे को 10 × 10 रहने दो, क्योंकि 10 10 जाइए हमारा 100 होता है। उसके बाद 20 है तो 20 को हम लोग 5 × 4 कर सकते हैं, 5 4 जो हमारा कितना होता है, 5 4 = 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 की जगह पर भी मैं ना 4 को क्या करूँगा, 2 × 2 कर दूंगा, उससे मेरा डायरेक्ट यहाँ पर ये 2 2 का पेयर बन जाएगा। इससे और ज़्यादा हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, 4 लिखता तो फिर एक बार 2 × 2 लिखना पड़ता है। तो अब ये क्या बन गया मेरे, देखो पेयर बन गया, 30 का एक पेयर बना तो और यहाँ पर ये सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल रहा है ना, तो 30 का एक पेयर बना तो 30 लिख देता हूँ। फिर हमारे पास 3 का पेयर बना है यहाँ पर तो 3 लिख देता हूँ। फिर हमारे पास 5 का भी पेयर बना, देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है तो एक 5 लिख देता हूँ, सब रूट से बाहर निकल रहे हैं। 10 का पेयर बन गया तो 10 बाहर निकाल लो, और एक 2 का भी पेयर बन गया तो 2 बाहर निकाल लो। चलो भैया अब मैं इतना काम कर दिया ना, अब एक छोटा सा काम आप ये कीजिए कि सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि जो एरिया निकल रहा है इस ट्रायंगल का वो कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल रहा है। पूरा का मल्टीप्लाई करोगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चंस बस अलग यही था कि अपने को रेशियो दिए हुए थे, तो कभी भी रेशियो दिया रहे तो वहाँ पर आप लोग एक्स मान करके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्स मान लीजिए, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो साइड्स निकाल लीजिए, साइड जब पता चल गया तो बस हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने पिछले 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है और जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको समझाया था, वो फॉर्मूला यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।